हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो? आपसे स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो अभी 10:30 बज चुके हैं और भाई आज वीडियो की शुरुआत थोड़ा लेट कर रहे हैं। नाश्ता सभी का हो गया था, अन्निका के पापा भी ड्यूटी जा चुके हैं अपनी, और भाई मैं कर रही हूँ यहाँ पे काम, थोड़ा सा आज लेट हो गया काम सिंगवाने में ना। अन्निका अभी सो के उठी है 10 मिनट पहले ही, बस तो स्कूल में मिली गई, उठाओ भी गए जबरदस्ती की इसके साथ बहुत ज्यादा, लेकिन उठी नहीं। मगर चलो सोरी तो सोई रहने दो, क्योंकि कल से अब बहुत ज्यादा थक गई थी और रात में 11 बजे सोई शायद। हैप्पी हैप्पी नहीं है ये, बैलून है, बैलून है ये है। हैप्पी बर्थडे को और जी ने कह रही मम्मी को, मम्मी बाहर लेट रही ना, मम्मी की है तबीयत खराब, मम्मी के लगा है इंजेक्शन। वैसे दर्द रहता है मम्मी के, लेकिन कल थोड़ी सी ज्यादा फिरत सी हो गई, आराम नहीं मिला दिन में, लेटते नहीं कुछ नहीं, तो तबीयत अभी खराब है, क्योंकि दर्द है। ऐसे तो बुखार वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन दर्द तो मम्मी के रहता ही, देखो। और इंजेक्शन लगा है, अभी दवाई चल रही है। ने कह रही माँ जी तो हैप्पी बर्थडे में लेट रही यहाँ पे, क्योंकि मम्मी बाहर लेट रही है ना, तो ये भी कुछ हवा में उतर चुके हैं, बैलून वगैरह लग रहे, तो मगर लगे रहने तो कोई बात नहीं, कहाँ रखेंगे इन्हें उतार के, ये खुद ब खुद फूट जाएंगे, और खेलती भी रहेगी इन्हें देख के। तो चलिए जी अभी अपना काम करते हैं, आज होगा काम जितना कल परसों से सिंगवान लग रहे थे ना, इतना आज एक दिन में होगा सारा का सारा। अभी मट्ठा भी मैंने बुलो दिया है, मक्खन वगैरह निकाल दिया था, और मक्खन निकालने के बाद मैंने सोचा कि चलो पहले यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं कमरे की, और भाई सारी जगह की झाड़ू पोछा कर लेंगे, फिर किचन का काम कर लेंगे, फिर दोपहर का खाने की तैयारी होगी। तो टाइम होता ही है, देखो तो पूरा दिन लगे रहो, फिर वीडियो एडिट करनी अपनी। अन्निका के पापा तो सुबह डूब चले गए हैं। तो चलिए जी अभी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, जल्दी कर, बहुत पानी खिंडा है, बाल्टी लावे बार बार के, चल उठा के से दीवार पर गिर का, चल उठा, चल लग गया पोछे, चल चलेंगे, चल धूप में डाल के आज दीवार पर डाल, सूखा गयो, ढेट कर रही ज्यादा ही, चल हाँ पानी गिंडा हुआ है बस, ज्यादा डेटी होती जा रही है, सारा सारा पानी छोड़ती नहीं बिल्कुल भी, देख कर भिग्गी पड़ी। चलो कपड़े पहनो जल्दी, ठंड हो रही, ठंडा मौसम हो रहा बढ़िया वाला है, कलर वाला। किसका फेवरेट है वो? मेरा फेवरेट, नु कह रही मम्मी ये ग्रीन वाला दो मुझे, ये मेरा फेवरेट है। ये भी फेवरेट है, हाँ ये अभी लगी रही बैलून, ये देखो ये झल्लर उतर गई थी इधर से, तो यहाँ पे चिपका दिए, और अच्छी बनाई थी प्रीति दीदी ने बनाई ना, ये बहुत अच्छी बनाई एकदम से, बहुत अच्छी लगी है। तो हैप्पी, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी। क्या था रात? रात था हैप्पी, हैप्पी था रात, हाँ। अच्छा कौन लेकर भाग गया नीचे? मैं। अजी हाँ, आप इसमें पैसे गिर दिए मन्ना, पैसे गिर दिए मन्ना उसमें, अच्छा जी हाँ। चलो कपड़े बदल लो, दूसरे गिल्ले हो रहे बेटा ही है, और जी आज है बृहस्पतिवार, आज कपड़े नहीं धुल लेंगे, कपड़े हो रहे काफी सारे, कल भी धुले थे, कोई नहीं जी कल को धो लेंगे बस सुबह ही, वो है लड्डू हवा निकल जा, नु कह रही है रेड कलर का था वो फूट गया, नु कह बब्बा जी वो तो रेड वाला फूटा, मेरा फेवरेट नहीं फूटा। कौन सा कलर है आपका फेवरेट? ये वाला हाँ। ग्रीन वाला हाँ। अच्छा गाइस अभी 4:30 बज चुके हैं, और अभी लाइट ने हुई थोड़ी सी दिक्कत कर रखी, आज सुबह से लाइट भी नहीं आ रही, मतलब कि कभी आ रही कभी जाए, इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है, और दिन में लेटे भी नहीं आज, क्योंकि वीडियो एडिट करने में थोड़ी सी लेट होगी, आज लेट आई वीडियो बनना 1 बजे आ जाती है, और आज 3 बजे आई वीडियो, क्योंकि भाई घर का काम किया सारा, फिर दोपहर का खाना वाना, तो टाइम हो गया था काफ़ी। तो भाई अभी अन्निका का जन्मदिन भी बहुत अच्छा हुआ है, और बावली दीदी यार का, प्रीति दीदी यार का, सभी का, मतलब कि मेहमान आ रहे थे भैया दीदी यार सभी का, दिल से धन्यवाद उन्होंने आके हमें इतना टाइम दिया, क्योंकि भाई अकेले से देखो क्या बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, 2-4 जने हम, और जो मतलब कि अपने परिवार के साथ खुशियां बांटने में आओ तो बात ही कुछ अलग है। देखो आ रहे थे वैसे चाचा जी भी आते इधर से, लेकिन फिर भी जो अपनी फैमिली मतलब कि
जो अपने नंदे हो गए और जी आवे अपना परिवार आवे, इस बहाने सिर आ भी गई देखो दीदी यार, वरना फिर क्या पता कब आना होता। तो चलो जी कोई बात नहीं, और कमेंट भी आ रहे हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे कि भाई अर्णिका का जन्मदिन इतना अच्छा किया और उसे ब्लेसिंग भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं अर्णिका को। और कमेंट और भी आ रहे थे कि आपने अपने नंदों को तो बुला लिया, अपने मायके वालों को क्यों नहीं बुलाया। मायके वालों को भी फ़ोन किया था हमने, मेरा भाई आने वाला था और मेरी बहन आने वाली थी, तो भाई ऐसा हुआ जब वे तैयार होके चलने लगे ना, इतनी तेज़ बारिश आई कि उन्हें घर ही रुकना पड़ा। और शाम को 5-6 बजे तक भी हमने फ़ोन किया कि भाई चलो लेट काट लेंगे थोड़ा सा, 7-7:30 तो बज ही गए थे केक कटने में। फिर कह रहे कि बिल्कुल भी बारिश नहीं रुक रही, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, भगवान जी ने तो हमारा पूरा साथ दिया यहाँ पे, क्यों भगवान से अरदास कर रखी थी कि भगवान जी बारिश ना आई बिल्कुल भी। और बारिश पूरा दिन बरसी यहाँ पे भी, लेकिन हल्की फुल्की एक दो बूंद ऐसे बरसी। और आज तो इतनी तेज़ धूप निकल रही बहुत ज़्यादा, जो तुलसी के पौधे थे ना हमारे, हमने छत पे रखे हुए थे तो मैं उन्हें नीचे रख के आई हूँ, क्योंकि भाई याद ही ना पानी देना तुलसी में सुबह, और उन्हें जिन्ने पे रख लिया हमने, यहाँ पे दिखती भी रहा और फिर याद भी रहा है कि भाई हाँ मतलब कि पौधे हैं यहाँ पे। और छत पे परसों चढ़े थे उस दिन साफ सफाई करने के लिए, और आज चढ़ी है, वरना जो हम छत पे लेटते फिर तो हम यहीं पे मतलब चढ़ते रहते हैं, छत पे आते रहे शाम के टाइम, लेकिन हम नीचे लेट गए क्योंकि ठंड सी हो रही ना, जब मौसम ठंडा हो रहा और खांसी जुकाम हमें चली रही, ज़्यादा कूलर जो है चलाते नहीं। तो चले गाइस अभी बने रही हमारी वीडियो में एंड तक। अर्णिका खेल रही है नीचे अपने पापा जी के साथ, और अर्णिका के पापा ड्यूटी गए हैं, मम्मी अभी आराम करी, मम्मी की तबीयत खराब थी ना तो मम्मी सुबह से लेट ही रही है बस। और वही खाना वाना भी हो गया था सभी का, अब शाम के टाइम की तैयारी चलेगी क्योंकि जब तक नीचे जाएंगे 5 ही बज जाएंगे। तो बस यही है आप सभी का जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, दिल से धन्यवाद हमारी बेटी को इतनी अच्छी सी ब्लेसिंग देने के लिए। बारिश जो है फिर से शुरू हो गई है, ये देखिए पूरा दिन बारिश नहीं हुई, मगर अभी क्या टाइम हो रहा 5 बजे हुए है, 5 बजे बारिश बड़ी ही बेहतरीन वाली बारिश हो रही है भाई, क्योंकि यहाँ यानी ये बारिश सारी जगह है, सारी की सारी जगह है। और पानी ये देखिए इधर सारे में पानी आ गया, इस साइड भी, अरनी का नीचे है, बहुत तकड़ी बारिश हो रही है। हमने देखे भाई YouTube पे ब्रेड के अंकुर, हाँ हमने वैसे भाई देखो यूट्यूबर है बढ़िया बनाकर सकते हो, हमने सोचा किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करे, इतना दूध गिरा निकला, एक ब्रेड का पैकेट गिरा, मम्मी लगाई थी बम नहीं मिला ले, एक ब्रेड के पैकेट गिरा निकला, और उसके लिए चारों तरफ से कटे थे, हम चाय के साथ नाश्ते बैठा रहे हैं, कुछ मम्मी ले रही कुछ अपना ले रही, और जी वो हो गया हमारा क्या होगा फैल होगा मिशन फैल होगा, और जो हमने उसमें बनाए थे रसगुल्ला का आकारी बन गया, सब बात बन गया, इस टाइम पर डालने लगे उसमें तेल में घी में, और घी में तो सारे सारे ऐसे कुछ लिए जैसे कचरी की क्या करें, मगर रसगुल्ला का गिरा था उसमें गोल खाया सा, फिर सारे खराब हो गए, देखो बखर वीरान हुआ, चीनी वीरान हुई, और जी घी खराब सा हो गया, काला हो गया, और एक ब्रेड का नुकसान 100-200 रुपये का नुकसान हुआ। तो इससे क्या सीख मिली? इससे सीख मिली बनाएगा नहीं, यूट्यूब पर देखने में कुछ क्या पता उन्होंने दिखाए ब्रेड के बनाते, और उसमें बाद में मावे का आटा बना कर रख रखा हो, ऐसा भी तो हो जाता है ना, झूठ हो जाता है ये, हम जो भी बात हुआ हमारे घर में हम सही बता रहे हैं, जो हम बना कर दिखाया वो रियल दिखाया, आप चाहे हमारे को खराब पड़ो, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ धोखा हुआ है, चाहे हमारे बनाने में गलती रही, लेकिन हमने जज जो उन्होंने बताया था ना ऐसे ही किया, पर बने नहीं मिशन फैल हो गया, ठीक है बना, सोचा था मैं चप्पे सारे भाई जाओगे कई दिन लोग आवे दोनों का बना ले दोनों का वो तो यार नहीं एक ही बनाया फिर अगर पहले देखते हैं कैसा बनता है, कैसा नहीं बन गए बनेगी तो बहुत अच्छी चीज होगी।